जिसके सामने क्वेश्चन आया, भाई साहब पहले तो इसी को स्किप मारो, बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा, इसको सबसे लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा अवधारणा नहीं बनाना है। कोई चीज ऐसी नहीं है मेरे भाई जो आप नहीं कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। आप 0.09 को ए मान लीजिए, ठीक है, आप 0.04 को आप बी मान लीजिए, आप यहाँ पर 0.16 को भाई मेरे सी मान लीजिए, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको दो बार मल्टीप्लाई किया गया, तो आप इसको किसका नाम देंगे, ए स्क्वायर का। उसके बाद में आप इसे देखिए, दो बार मल्टीप्लाई किया गया, तो इसे किसका नाम देंगे, बी स्क्वायर का। आप इसे देखिए, सी को मेरे भाई दो बार मल्टीप्लाई किया गया, तो सी स्क्वायर का नाम देंगे। उसके बाद में आप अगर देखें तो 2 times ऑफ ए इंटू बी है, यानी ये कितना है, तो 2ab है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे गुरु जी ये हो जाएगा हमारा 2ab। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये 2bc हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बोलेंगे 2bc, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2ac हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे सारे के सारे फॉर्मेट ऊपर में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है नीचे क्या होगा, तो बात यहाँ पर लोगों को पता है क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ 0.3 कहाँ से आ गया, इसका तो रूट है। ऐसा नहीं है, आप इस बात को समझो, आप इन दोनों को जब गुना करोगे ना तो जाकर के ए के बराबर में आएगा, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर 0.3 × 0.3 करिए तो मेरे भाई जाकर के 0.09 के मेरे भाई बराबर आएगा। यानी कहने का मतलब ये रूट ए है और ये रूट ए है, रूट ए को रूट ए से गुना करने पर किसके बराबर आएगा, ए, तो ये हमारा हो गया ए। ये रूट बी इंटू रूट बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बी। ये रूट सी इंटू रूट सी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर सी। अब पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, हर किसी को ये बात पता है मेरे भाई, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये किसका फॉर्मूला होता है, सभी लोगों को यार पता है ये बात, किसका होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, ये होल स्क्वायर। और नीचे हमारा कितना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का पावर हमारा एक है भाई, ठीक है। इसने मेरे भाई यहाँ पर एक पावर को काट दिया, तो बचा कितना, ए प्लस बी प्लस सी। यानी पता है सवाल में क्या करना था, बस तीनों को जोड़ देना था, यानी तुम्हारा 16 और 4 20 और 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29, यानी 0.29 ऑप्शन नंबर डी जो था वो आंसर था। यही तो करना था यार, तीनों को जोड़ देना था, और जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 0.29 इज द करेक्ट आंसर। तो सारा खेल जनाब किस चीज का है, फॉर्मूले का है, और वो चंद फॉर्मूले है जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कि आपको ध्यान में रखना है। ये डराने के लिए आते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। तो मैंने क्या कहा, उस भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा जो सवाल को देखकर स्किप करता है, उस भीड़ का हिस्सा बनिएगा जो कि भीड़ भी नहीं कहेंगे, वो चंद बच्चों के ग्रुप में आने की कोशिश करेंगे जो सवाल को देख करके थोड़ा पंगा लेते हैं, जिनके में जिगर होता है कि तुमको तो छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन बाद में उन्हीं का होता है। जो सवाल मेरे भाई मैं कर ले रहा हूँ, आप कर ले रहे हैं, बाकी दुनिया कर ले रही है, तो वो तो हर कोई पेपर में कर आएगा, तो वो कंपटीशन थोड़ी बढ़ाया, कंपटीशन तो वो सवाल बढ़ाता है जहां पर 100 लोगों में मात्र 2-4 लोग ही करके आते हैं, उनके सही हो गए तो बाकी लोगों से आगे बढ़ जाते हैं, वही कंपटीशन बढ़ जाता है, वही वो कटऑफ से थोड़े आगे हो गए, वही उनके हिस्से की नौकरी निकल जाती है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले तो मेरे भाई 25 लाख लोग हैं, सिलेक्शन सीजन में 8000 लोगों का होता है, तो सोचिए कितना बड़ा रेशियो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, भीड़ में मतलब क्वेश्चन छोड़ने वाला, भीड़ का हिस्सा मत बनिए यहाँ पे, आइए।